आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना जिला प्रमुख की बैठक छिपी टैंक स्थित शिवसेना कार्यालय पर हुई। बैठक की अध्यक्षता गाजियाबाद से शिवसेना प्रदेश उप प्रमुख अनुशासन समिति के प्रदेश प्रभारी महेश कुमार आहूजा द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उप प्रमुख महेश आहूजा ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु शिवसेना प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 4 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। दरअसल शिवसेना कार्यालय पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला प्रमुख की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और सभी प्रभारी भी नियुक्त किए गए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो वहीं एक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दिया। कार्यकर्ता का कहना था कि जब भी कोई घटना घटती है, कोई भी शिवसेना प्रमुख कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता। ऐसे में कैसे हम शिवसेना को मजबूत संगठन बना पाएंगे, जबकि बाला साहब ठाकरे हमेशा संगठन को मजबूती की बात कहते थे। वहीं बैठक में आए महेश आहूजा ने देश में आर्थिक मंदी को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि केंद्र सरकार को 2 बच्चों पर कानून जरूर बनाना चाहिए और जल्द से जल्द मंदी से निमटने का कोई न कोई प्लान तैयार करना चाहिए। किसानों को भी समय पर पैसा मिलना चाहिए। बैठक में मेरठ के जिला प्रमुख धर्मेंद्र तोमर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरठ से दाबार टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। का जो उद्देश्य है कि हमारे 27 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं और लगभग 25 जिले आए हैं ना, 25 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे दिनों में जो चुनाव नगर पालिका के नगर निगम के हमारे सिर पर हैं, इसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं और जिला पंचायत के भी चुनाव होने हैं, उन चुनाव में शिवसेना की क्या भूमिका हो, इस विचार को लेकर आज बहुत से जिला प्रमुख ने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। जो जो विचार आएंगे उस विचार को आगे लेकर हम अपने प्रदेश प्रमुख माननीय अनिल ठाकुर जी के पास भेजेंगे और वहाँ से हमारे राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारिणी है, राष्ट्र नेतृत्व है, वो हमें करेंगे। हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। हमारा जो किसान भाई है वो 10 बीघे का 15 बीघे काश्तकार होने के बाद भी शहर की तरफ आए तो उसको मजदूरी ना करनी पड़े। जय चौधरी चरण सिंह जी नीति थी कि छोटे छोटे उद्योग देहात क्षेत्र में लगाए जाए ताकि हमारा देहात का किसान शहर की तरफ पलायन ना करे। आज स्थिति यह है कि शहर में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, पर्यावरण शुद्ध नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में पूरे विश्व का 2.4% जमीन है, केवल भूभाग 2.4% है और जनसंख्या 18% है। पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, सांस लेने के शुद्ध हवा नहीं है, तो किस प्रकार हमें हमारे बच्चों को हमारे जो भविष्य है उनका सुखमय जीवन बीते, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में एक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 425 पेड़ आते हैं और हमारे देश में केवल 25 पेड़ आते हैं। तो जब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे